आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जो कि बोनस देने जा रहा है। दोस्तों ये शेयर चार्ट पे इतना सॉलिड दिखता है कि बहुत ही गजब का रिटर्न दिया है, और साथ ही साथ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे ये बोनस भी दे रहा है। इस बार ये बोनस नहीं स्टॉक स्प्लिट कर रहा है, और स्टॉक स्प्लिट डायरेक्ट फेस वैल्यू 10 से 2 रुपया में किया जा रहा है। मतलब यहाँ जिसके पास 1000 शेयर है तो बिल्कुल 5000 शेयर फ्री मिलने वाले हैं। दोस्तों ये कंपाउंडिंग का बेनिफिट जो है काफ़ी बेहतरीन काम करता है, लेकिन इस स्टॉक में फंडामेंटली थोड़ा सा हमें दिक्कत महसूस होता है। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या फंडामेंटली ये बाय है। टेक्निकल चार्ट पे ये काफ़ी सॉलिड लग रहा है। देखिए यहाँ पर टेक्निकल चार्ट आपको दिखाते हैं। ये स्टॉक देखिए यहाँ पर मात्र 12 रुपीज़ 10 रुपीज़ का ये स्टॉक था, और देख लीजिए 12 रुपीज़ से ये जो जर्नी तय किया 145 रुपीज़ तक, 145 रुपीज़ तक ये हाई लगा चुका है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए रिटर्न जो है कितना सॉलिड है। ये 2018 से लेकर के 2017 से लेकर अभी तक में ये 10 रुपीज से लगभग 145 रुपीज तक, मतलब यहाँ पर 14 टाइम्स कर चुका है इन्वेस्टर को जो रिटर्न दिया है 14 टाइम्स। या कोई यहाँ पे भी इन्वेस्ट क्या होता, देखिए यहाँ पर 2019 में गिरावट इसमें आया था, यहाँ 17 रुपीज़ था, 17 रुपीज़ से डायरेक्ट ये स्टॉक 145 तक गया है। तो दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे ये स्टॉक काफ़ी सॉलिड दिख रहा है, और इसी स्टॉक में जो हमें बोनस स्टॉक स्प्लिट देखने मिल रहा है, और ये है जी जी इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर देख लीजिए कॉर्पोरेट एक्शन चलते हैं। देखिए स्प्लिट फेस वैल्यू ओल्ड 10 था, न्यू फेस वैल्यू 2 है, और जून 21, 2021 इसका एक्स बोनस डेट है, और 21 जून से पहले अगर आप इसे बाय करते हैं तो आपको पूरी तरह से स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट मिलेगा। यहां पर देख लीजिए करेंट प्राइस जो है 112 रुपया इसका भी है। अगर बात करें यहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी निगेटिव है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड ये भी मात्र 0.60 है, इतना कम है रिटर्न ऑन इक्विटी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, लेकिन चार्ट पे आपने रिटर्न देखा कितना है 14 टाइम्स। दोस्तों यही कहता है कि कभी कभी फंडामेंटल्स भी इस तरह के छोटे स्टॉक में फेल हो जाते हैं, इसलिए टेक्निकल चार्ट का ज्ञान होना भी काफ़ी जरूरी है। अगर टेक्निकल चार्ट पर कोई स्टॉक जो है भाग रहा है और वहाँ से भागना शुरू किया तो आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरे फंडामेंटल पैरामीटर बात करें, अर्निंग पर शेयर भी निगेटिव। आप यहाँ देखिए रिजर्व मात्र 4 करोड़ का, डेट मात्र 10 करोड़ का, तो डेट भी कम है। इन्वेस्टमेंट कर रखा है 36 लाख रुपये का, और कंपनी में प्रमोटर स्टेक 53.7 है। अब देखिए प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट इसका देखें, पहले कंपनी प्रॉफिटेबल थी 2019 में, 2020 के फाइनेंशियल में कंपनी यहाँ पर लॉस पेश की है। और अगर यहाँ पर हम क्वार्टरली रिजल्ट पे जाएं तो क्वार्टरली रिजल्ट में रिजल्ट तो इम्प्रूव होता हुआ दिखा है। यहाँ पर देखते हैं रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट, सेप्टेम्बर क्वार्टर में पॉजिटिव रिजल्ट दिया था, और इस क्वार्टर दिसंबर क्वार्टर में निगेटिव रिजल्ट दिया था। लेकिन चार्ट पे आप तो देख ही रहे हैं कि काफ़ी बड़ा मतलब ये साइन दिखाया है तेजी का। तो इस स्टॉक में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए इस स्टॉक में अगर बात करें इन्वेस्टमेंट का, तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो स्टॉक मात्र 15 रुपीज का था वो 150 पे पहुंच चुका है। तो ये टेक्निकल चार्ट आपको बिल्कुल सॉलिड रूप से कहता है कि अब ये इसमें इन्वेस्ट आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो रैली है वो ओवर हो चुका है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, यहाँ पर आप ट्रैप हो जाएंगे। तो टेक्निकल चार्ट अगर आप जानते हैं तो न्यूज वो सुनना जरूरी नहीं है, और साथ ही साथ अगर आप फंडामेंटल नहीं भी जानते हैं तो भी आप यहां पर अनुमान लगा सकते हैं कि ये स्टॉक जो है जब फंडामेंटल बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये स्टॉक जब 15 रुपीज़ से 150 रुपीज़ पहुँच चुका है, तो इसमें अभी आपको शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं मिलने वाला। अगर लॉन्ग टर्म में इसके फंडामेंटल काफ़ी सॉलिड हो जाते हैं, काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, तो फिर हो सकता है यहाँ से थोड़ा कंसॉलिडेट करें, 20 मूविंग एवरेज के पास आए, फिर यहाँ से रैली दिखाए। तो यहाँ पर वेट कीजिए इसके फंडामेंटल इंप्रूव होने का, साथ ही साथ इसके करेक्शन का वेट कीजिए, जरूर ये करेक्शन करेगा। अगर फंडामेंटल इंप्रूव होता है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि बहुत सारे लोग देखेंगे अगर 1000 के शेयर के बदले 5000 शेयर मिल रहा है तो हम जाकर के जंप कर जाते हैं और हम बहुत सारे शेयर मिल जाएंगे। दोस्तों शेयर तो मिलेगा, लेकिन इसका प्राइस जो होगा जब यहाँ पर आपको 5 शेयर मिलेंगे तो इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, फिर 20 रुपीज़ का शेयर हो जाएगा। अगर ये 20 रुपीज़ से फिर यहाँ पर गिर करके मान लीजिए 1 रुपीज़ आ जाता है तो आपका 90% कैपिटल जो है वो गया।
इसलिए इस शेयर को अवॉइड करना है, अभी बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना है। तो हमारे सारे वीडियो को आप देखेंगे तो निश्चित है कि आप फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों रूप से कब स्टॉक को बाय करना है, किस स्टॉक को बाय करना है वो जरूर सीख जाएंगे। अगर यही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होता, डेट जीरो होता, रिटर्न इक्विटी 30 के आसपास होता, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30 होता और कंपनी प्रॉफिट दे रही होती तो हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे, लेकिन फंडामेंटल बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता और टेक्निकल चार्ट तो यहाँ बिल्कुल कह रहा है, चिल्ला चिल्ला के टेक्निकल चार्ट यहाँ बोल रहा है कि आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रैली पूरा हो चुका था, जहाँ तक जाना था इसको जा चुका है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, इसका पहले का जो हाई था 50 रुपीज़ था और नीचे का लो देखिए तो 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, यहाँ से इसका 80 रुपीज़ इसका मतलब यहाँ से टारगेट हमारा बनता है, ये 80 के बदले यहाँ पर 145 जा चुका है, तो इसका रैली पूरी तरह से ओवर हो चुका है। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इस तरह के स्टॉक में कभी भी आपको नहीं फंसना है बोनस शेयर को देख करके। बोनस शेयर एक लॉन्ग टर्म गेम है, जब आप ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ग्रोथ के साथ साथ आपको बोनस शेयर मिलता है तब वो बेनिफिट करता है, अदरवाइज आपको कोई भी बेनिफिट बोनस शेयर में नहीं मिलने वाला है। तो चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।